देश में कुपोषण और बेरोजगारी बड़ी समस्याएं हैं। इन दोनों परेशानियों के समाधान के लिए जनता सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन इन समस्याओं का हल निकालने के बजाय जनप्रतिनिधि अजीबोगरीब सलाह देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जहां पीएम मोदी बेरोजगारों को पकौड़े बेचने की सलाह देते हैं, तो वहीं अब उनके नक्शे कदम पर चलकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव गाय पालने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुपोषण से बचना है तो गाय पालन करना होगा। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने कुपोषण से बचने की अजीबोगरीब सलाह दी है, जिसे सुनकर आप कहेंगे ये कुपोषण दूर कर रहे हैं या फिर गरीबी का मखौल उड़ा रहे हैं। जी हाँ, सीएम बिप्लब देव का मानना है कि अगर घर में गाय पालन करेंगे तो आप कुपोषण का शिकार होने से बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं आज घोषणा करता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के साथ गौ पालन की शुरुआत करूँगा और गाय के दूध का सेवन करूँगा। इससे त्रिपुरा के लोग भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इस तरह कुपोषण से लड़ने में मदद मिलेगी। सीएम साहब ने लोगों को गाय पालने की सलाह तो दे दी, लेकिन शायद ये नहीं सोचा कि कुपोषण का शिकार गरीब जनता ही होती है, जो दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। ऐसे में वो गाय कहाँ से लाएंगे? आपको बता दें कि देश में कुपोषण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 19.7% है। भोजन की कमी से हुई बीमारियों से देश में सालाना 3,000 बच्चे दम तोड़ देते हैं। यह आंकड़ा दुनिया में सर्वाधिक है। इस हकीकत को जानते हुए भी अब सीएम बिप्लब देव लोगों को गाय खरीद कर कुपोषण से बचने की सलाह दे रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।